साई कॉलेज के ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन में इस वीडियो में हम आपको बीबीए कोर्स की डिटेल जानकारी देंगे ये वीडियो उन सभी 12th या पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो अपने करियर में आगे एम करने का विचार रखते हैं यदि आपका गोल एम करना है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और आपको सीरियसली सोचना चाहिए बीबीए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं इससे पहले कि आपको बीबीए कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करूं मैं आपको साई कॉलेज भिलाई के बारे में कुछ डिटेल जानकारी देना चाहूंगा साई आज 15 इयर्स पुराना कॉलेज है इस कॉलेज की 15 साल की लेगेसी है ये कॉलेज वर्तमान में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इस कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग वर्षों में यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त किया एग्जांपल uh, के तौर पे 2018 19 में साईं कॉलेज भिलाई के 10 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया जिसमें BCA और DCA जैसे कोर्सेज में रैंक वन साईं कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे uh, इसके अलावा यह कॉलेज हेमचंद तो यादव यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के पहले पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और तब पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी ने जब रैंकिंग की थी पूरे कॉलेज तो को फोर्थ बेस्ट कॉलेज अमंग ऑल प्राइवेट कॉलेज डिक्लेयर किया गया था आ, तो ये ब्रीफ था साई कॉलेज की लेगेसी के बारे में आ, अब मैं आपको बीबीए कोर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा बीबीए कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है चूज करने से पहले तो यदि कोई स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ का किसी भी सब्जेक्ट में पास किया हुआ स्टूडेंट यदि इंग्लिश मीडियम का है और वो आगे MBA की uh, करने का विचार रखता है तो उसके लिए बीबीए से अच्छा कोर्स नहीं है uh, इसमें अगर मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में बीबीए कोर्स होता है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बीबीए ज्वाइन नहीं कर सकते ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश uh, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या जो ऐसा सोचते हैं कि हम इंग्लिश uh, में uh, बीबीए कोर्स को कर सकते हैं वो भी बीबीए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यहां मैं ये बताना जरूरी समझूंगा समझता हूं कि साई uh, कॉलेज में सिस्टम यह है कि हम स्टूडेंट्स को क्लास में हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझाते हैं और नोट्स देते हैं सिंपल इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी बीबीए कोर्स ज्वाइन करने से घबराना नहीं चाहिए बट चूंकि काउंसलिंग में हम इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं इसलिए हम बताते हैं कि बीबीए कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, है, है बीबीए में साल में दो बार एग्जाम होते हैं ये सेमिस्टर पैटर्न में कोर्स है सेमिस्टर पैटर्न में होना मतलब तीन साल में semesters, semesters होते बीबीए कोर्स में बीबीए एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है Uh, इसका अर्थ यह है, है कि बीबीए करने के बाद भी आपके पास बहुत सारी जॉब ऑपर्चुनिटीज मिलती हैं कई फाइनेंशियल में uh, में बैंक्स में, कई और संस्थानों में बीबीए स्टूडेंट्स को आसानी से जॉब मिल जाती है और यदि जॉब ना करके कोई आगे पढ़ना चाहे तो बीबीए के बाद एम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बीबीए प्लस एमबीए इज ए वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न इन इंडस्ट्री नेक्स्ट Uh, मैं आपको बीबीए कोर्स के कोर्स करिकुलम के बारे में एक ब्रीफ आउटलुक देता हूं सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू ये दोनों मिला के फर्स्ट ईयर uh, uh, के अंतर्गत आता है uh, जैसा मैंने बताया कि एक साल में दो सेमेस्टर्स होते हैं तो सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू कम्बाइंड इस फर्स्ट ईयर तो सब्जेक्ट्स देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या कवर होते हैं इंग्लिश फर्स्ट सेम में है कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस मैथमेटिक्स ये बिजनेस मैथमेटिक्स है इट इज नॉट नॉर्मल मैथमेटिक्स तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स को देखकर कई स्टूडेंट्स घबराते हैं ये बिजनेस मैथमेटिक्स है जो आप आसानी से कर पाएंगे देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल स्टडीज तो ये uh, पांच और पांच दस पेपर्स मिला के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं सेमिस्टर uh, सिस्टम होने के कारण लोड दो हिस्सों में बढ़ जाता है 50 परसेंट सब्जेक्ट फर्स्ट से फिफ्टी परसेंट सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में तो इसीलिए बीबीए कोर्स एक ईजी कोर्स भी है uh, आप इजीली कर सकते हैं इस कोर्स को थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर को कवर uh, करेंगे उसके सब्जेक्ट के बारे में देख लीजिए थर्ड सेमेस्टर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस लॉ बिजनेस एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम

Uh, पढ़ाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट फोर्थ सेम में आप पढ़ेंगे अब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का भी ओवरव्यू ले, ले लेते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में मार्केटिंग रिसर्च क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मटीरियल मैनेजमेंट बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एंटरप्रीनरशिप एंड स्मॉल बिजनेस टैक्सेशन बिजनेस एथिक्स और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा uh, के सेमेस्टर के, uh, के तीन में, मोर और थे, वो से मिलते जुलते थे बाकी के तीन में, के जाते हैं। अब ये स्लाइड को देखिए और इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कई स्टूडेंट्स uh, बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने किसी ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज से बी करके दो साल एमबीए किए Uh, अब आप इस स्लाइड से समझ पाएंगे कि uh, किसी भी सामान्य या ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज से बी करके यदि आपने एम ही करना है तो चार साल आप उस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपना समय क्यों वेस्ट करेंगे ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी गलत है मेरे हिसाब से अगर किसी को एम बी एम करना है एम बी ए करने की मंशा रखता है कोई स्टूडेंट तो उसको बीबीए करना चाहिए उसका एक साल भी बचेगा चूंकि बी फोर ईयर्स का होता है बीबीए थ्री ईयर्स का होता है तो यहां उसका एक साल बचता है प्लस वो बीबीए e. में मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पहले से पढ़ चुका होगा तो उसके लिए एम करना आसान होगा और ज्यादा जब वो जॉब में जाएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये कॉम्बिनेशन बीबीए e. प्लस एमबीए का राधर देन बीई e. प्लस एमबीए का तो आप अभी ट्वेल्थ के बाद ये आपके पास एक एक बहुमूल्य समय है जब आप विचार कर सकते हैं कि आपको किसी साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज से बी करके एमबीए करना है या बीबीए में अपने कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग करके फिर एमबीए करना है जहां आप एक साल भी बचाएंगे एक साल बचाने का अर्थ है एक साल की कॉलेज की फीस बचाना प्लस एक साल का कॉम्पिटिशन बचाना जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप एक साल का अपना कॉम्पिटिशन भी बचा रहे हैं स्टूडेंट्स uh, साई uh, कॉलेज में ही बीबीए क्यों करें मैं आपको उसके कुछ पॉइंट्स uh, बताना चाहूंगा हमारे यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट में बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारी कंप्यूटर लैब्स बहुत ही उम्दा किस्म की कंप्यूटर लैब्स है जिसमें 425 कंप्यूटर्स हैं हमारी लाइब्रेरी बहुत वेल well स्टॉक्ड है स्टूडेंट uh, हमारे यहाँ किसी भी कोर्स के किसी भी स्टूडेंट को पूरे कोर्स के दौरान बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती यस yes, मैं रिपीट करता हूं

बीबीए कोर्स के बारे में यदि आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें बीबीए लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं डबल नाइन डबल सेवन डबल जीरो टू जीरो वन फोर पर यहां में आप कॉल कर सकते हैं सेवन जीरो टू फोर डबल एट सिक्स डबल नाइन सिक्स पर साई कॉलेज सेक्टर सिक्स में है आप कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट साई कॉलेज डॉट ओ आर जी पर भी विजिट कर सकते हैं थैंक यू